Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मानव जात को ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। ऐसी चुनौतियों के बीच इस दशक के प्रारंभ में ही हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्बोधन दिया, वो अपने आप में इस चुनौतियों भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करने के लिए आज आप सबके बीच खड़ा हूं। राज्यसभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुमूल्य विचार रखे, अनेक पहलुओं पर विचार रखे और इसलिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करता हूं इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गीला शिकवा न रहता कि हमने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ बोल पाए। ये अपने आप में उस भाषण की ताकत थी, उन विचारों की ताकत थी, उन आदर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बात पहुंच गई और इसलिए मैं समझता हूं इस भाषण का मूल्य अनेक गुना है। आदरणीय सभापति जी, जैसे मैंने कहा अनेक चुनौतियों के बीच राष्ट्रपति जी का इस दशक का प्रथम भाषण हुआ, लेकिन यह भी सही है कि जरा पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। हम सबके लिए ये भी एक अवसर है कि हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। हम जहां भी हो, जिस रूप में हो, मां भारती के संतान के रूप में इस आजादी के 75वें पर्व को हमने प्रेरणा का पर्व मनाना चाहिए। देश को आने वाले
वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का होना चाहिए और 2047 में देश जब आजादी की शताब्दी मनाए तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे। इन सपनों को बार बार हमने लेते रहना चाहिए। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत से अपेक्षाएं भी हैं और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा दुनिया की बहुतेक समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा। ये विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए बड़ा है। आदरणीय सभापति जी, जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूं तब महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं सोच रहा था इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बाधा हर बाधा हर बंदिश को तोड़, हर बाधा हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। आदरणीय सभापति जी, कोरोना के दौरान किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बनी, कोई किसी की मदद कर सके ये असंभव हो गया। एक देश दूसरे देश को मदद न कर सके, एक राज्य दूसरे राज्य को मदद न कर सके, यहां तक कि परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार की सदस्य की मदद न कर सके, वैसा माहौल कोरोना के कारण पैदा हुआ। भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाएं जताई थी, विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना के इस महामारी में अगर भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत लेकिन पूरी मानव जात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये आशंका सबने जताई। करोड़ों लोग फंस जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। हमारे यहां भी डराने के लिए भरपूर बातें भी हुई। अरे ये क्यों हुआ ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि एक अननोन एनिमी क्या कर सकता है किसी को अंदाज नहीं था। हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था, लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दिया इस देश ने
उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम किया है। और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया के मानव जाति की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है? विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने किया है, गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस बात को किया है। उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई है बूढ़ी माँ, वो भी घर के बाहर की झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना कर। हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। समय है, जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जला करके भी देश की सेवा कर सकता हूं तो करूं, इस भाव से किया था। और उसने देश में एक सामूहिक शक्ति का जागरण किया था, अपनी शक्ति का सामर्थ्य का परिचय करवाया था। लेकिन उसकी भी मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है। विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं जी, और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझे जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थ्य को नीचा आंकते हैं। इससे कभी लाभ नहीं होता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है, इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और इन सब के प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज ये करके दिखाया। हम जरा भूतकाल की तरफ देखें, ये आलोचना के लिए नहीं है, उन स्थितियों को हमने जिया है। कभी चेचक की बात होती थी, कितना भय फैल जाता था, पोलियो कितना डरावना लगता था, उसकी वैक्सीन पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी, कितनी तकलीफें उठानी पड़ती थी, मिलेगा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे लगाएंगे, एक दिन हमने बिताए हैं। ऐसी स्थिति में उन दिनों को अगर याद करें तो पता चलेगा कि आज जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है, वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे, ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है, इसका हम गौरव करें। और उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। हमने उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसी मेरे देश में चल रहा है। विश्व में तेज गति से टीकाकरण आज कहीं हो रहा है तो इसी हम सब की मां भारती के गोद में हो रहा है। और भारत का यह सामर्थ्य कहां नहीं पहुंचा है। आज कोरोना ने भारत को दुनिया के साथ रिश्तों में एक नई ताकत दी है। जब शुरुआत में कौन सी दवाई काम करेगी, वैक्सीन नहीं थी, तो सारा विश्व का ध्यान भारत की दवाइयों पर गया। विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में भारत उभर करके आया। 150 देशों में
दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जाति की रक्षा के लिए पीछे नहीं। इतना ही नहीं, इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है, हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हम सबको मालूम है कि दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल में भी बड़े बड़े लोग भी जब ऑपरेशन कराने जाते हैं, कोई बड़े मेजर ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद प्रक्रिया सुनने के पहले उसकी आंखें ढूंढती हैं कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है कि नहीं है, और जैसे ही एकाध टीम के अंदर एकाध भी हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है ना, उसका विश्वास हो जाता है अब ऑपरेशन। ये देश ने कमाया है, इसका हमें गर्व होना चाहिए, और इसलिए इसी गर्व को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कोरोना में जैसे वैश्विक संबंधों में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है, वैसे ही भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है, और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ताकत देने का काम, इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है, इसलिए सबको अभिनंदन के अधिकारी हैं। यहां पर लोकतंत्र को लेकर के काफी उपदेश दिए गए, बहुत कुछ कहा गया, और लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं देश का कोई भी नागरिक इस पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं, ऐसी गलती हम न करें। और मैं श्रीमान डेरेक जी की बात सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटीमिडेटेशन, हाउडिंग, जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि आप बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। स्वाभाविक है, 24 घंटे वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो वही बात शायद गलती से यहां बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बार, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस अब थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया। माननीय सभापति जी, मैं कोट इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, और खास करके लोकतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं, भारत की मूलभूत शक्ति पर जो शक उठाते हैं, उनको तो मैं विशेष आग्रह से कहूंगा कि इसको समझने का प्रयास करें। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास
लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है, अनकोट। आदरणीय सभापति जी, ये कोटेशन आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और संयोग है कि 125वीं जयंती आज हम मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया। और उसका परिणाम है कि आज हम ही हमको कोसने लग गए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से ही बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। भारत की शासन व्यवस्था डेमोक्रेटिक है, सिर्फ इसी वजह से हम लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा, भारत का मन लोकतांत्रिक है और इसलिए हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। ये है इसलिए ये है ऐसा नहीं है, मूलतः हम लोकतांत्रिक हैं इसलिए ये है। और ये कसौटी भी हो चुकी है देश की। आपातकाल के उन दिनों को याद कीजिए, न्यायपालिका का हाल क्या था, मीडिया का क्या हाल था, शासन का क्या हाल था, सब कुछ जेल खाने में परिवर्तित हो चुका था। लेकिन इस देश के संस्कार, इस देश का जनमन जो लोकतंत्र के रंगों से रंगा हुआ था, उसको कोई हिला नहीं पाया था। मौका मिलते ही उसने लोकतंत्र को प्रस्थापित कर दिया। ये लोगों की ताकत, ये हमारे संस्कारों की ताकत है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है। मुद्दा यह नहीं है कौन सरकार नहीं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और न ही मैं ऐसी चीजों में अपना समय लगाने के लिए यहां आप लोगों ने मुझे बिठाया है। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत के संबंध में भी चर्चा हुई। मैं हमारे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी के बहुत ही अभ्यासपूर्ण और आत्मनिर्भर भारत की हमारी दिशा क्या है उसका विस्तृत उन्होंने बयान किया है। लेकिन एक बात सही है कि आर्थिक क्षेत्र में भी आज भारत की जो एक पहुंच बन रही है, कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, सारी बातें बाहर आ रही हैं। लेकिन भारत है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है।
सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थस्थिति डमाडोल है, जबकि दुनिया भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। एक तरफ निराशा का माहौल है तो हिंदुस्तान में एक आशा की किरण नजर आ रही है। ये दुनिया की तरफ से आवाज उठ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर हैं। भारत में आज हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटली हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से। याद कीजिए, यहाँ के इसी सदन के भाषण में सुन रहा था 2-3 साल पहले, लोगों के पास मोबाइल कहाँ है, टिकना कहाँ है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे। ये देश की ताकत देखिए, हर महीने 4 लाख करोड़ रुपये। भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है, इसी धरती पर हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले 5 देशों में हमने अपनी जगह बना ली है और आने वाले दिनों में हम ऊपर ही चढ़ते जाने वाले हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। आदरणीय सभापति जी, 2014 में जब पहली बार मैं इस सदन में आया था, इस परिसर में आया था, और मुझे नेता के रूप में जब चुना गया था, तो मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात को दोहरा रहा हूं। और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है, उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा। पहले के प्रयास हुए होंगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते। जितना कर लिया बहुत है, नहीं रुक सकते, हमें और करना ही होगा। आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है ईज ऑफ लिविंग के लिए, और जिसमें से आत्मविश्वास पैदा होता है, और एक बार गरीब के मन में आत्मविश्वास भर गया, गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा, गरीब किसी का मदद के मोहताज नहीं रहेगा, तो मेरा अनुभव। और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे खुशी है 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, 41 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने, 8 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज गरीब की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं जो गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, नया विश्वास पैदा कर रही हैं। आदरणीय सभापति जी, चुनौतियां है, अगर चुनौतियां ना होती ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। दुनिया का समृद्ध में समृद्ध देश, उसको भी चुनौतियां होती है, उसकी चुनौती अलग प्रकार की होगी, हमारी चुनौती अलग प्रकार की है। लेकिन तय हमें यह करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस ये पतली सी रेखा है। अगर हम समस्या का हिस्सा बने
तो राजनीति तो चल जाएगी, लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राष्ट्र नीति को चार चांद लग जाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है, हमें वर्तमान पीढ़ी के लिए भी सोचना है, हमें भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है। समस्याएं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है हम साथ मिलकर काम करेंगे, आत्मविश्वास से काम करेंगे तो हम स्थितियों को भी बदलेंगे और हम इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई, किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गंभीर्य दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर, इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% प्रति किसान ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा?
ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ कर के गए हैं, हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जाकर के हम इन कर सकते हैं। अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो ध्यान आएगा। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमने सचमुच में, हम सबने सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, अब वो किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वो तो हिंदुस्तान में हर कोई भलीभांति जानता है। लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा? हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। एक दो एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। उसी प्रकार से पहले की फसल बीमा योजना क्या थी? एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था, वो भी उन्हीं किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था, चल जाता था। आज 2 हेक्टर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन रहे? सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया प्राप्त करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटा किसान को रात रात लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किया, हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके, और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया। और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपये, ये छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपये उसके क्लेम किसानों को मिले। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता है। छोटा किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही, कुछ तो राज्यों में 0% से ब्याज से उनको मिल जाते थे पैसे, और उनके कोई कोई दो धंधा व्यापार होता था, पैसे वहाँ भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था। हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, हमने उसका तो दायरा फिशरमैन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और 2.25 करोड़ से ज्यादा किसानों तक किसान क्रेडिट का काम पहुंच चुका है, और बाकी भी राज्यों से आग्रह कर रहे हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सके, और राज्यों की मदद जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा ये काम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम एक योजना ले आए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, सीधे किसान के खाते में, और ये गरीब किसान को जिसके पास कभी इस प्रकार की मदद नहीं पहुंची है। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिल गया, और अगर बंगाल में राजनीति आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता, और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान, उनके पास गया है। हमारी सब योजनाओं के केंद्र बिंदु में सॉइल हेल्थ कार्ड,
हमने 100% सॉयल हेल्थ कार्ड की बात कही ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी जमीन कैसी है, कौन सी उपज के लिए योग्य होगा। हमने 100% सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का नियम कोट 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये किसानों की गांव की जिंदगी को बदलने का एक बहुत बड़ा यश रेखा होती है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। छोटा किसान का माल बिकता नहीं था, आज किसान रेल के कारण गांव का किसान रेलवे के माध्यम से मुंबई के बाजार तक अपना माल बेचने लगा, फल सब्जी बेचने लगा है, उसका लाभ ले रहा है, छोटे किसान को फायदा हो रहा है। किसान उड़ान, किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से अब जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अभाव में वहाँ का किसान हमारा बेनिफिट नहीं ले पाता था, आज उसको किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है, समय समय पर उनके सशक्तिकरण की मांग भी उठी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के बीच हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है, और आज नहीं जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं, ठीक है पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है, और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए अब समय आ गया, ये ठीक है फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है, आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी, और इसलिए लेकिन मैं हैरान हूं अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं, लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूं, हो सकता है जो यूटर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। देर आर अदर रिजिडिटीज बिकॉज ऑफ द होल मार्केटिंग रिजिम सेटअप इन द 1930s विच प्रिवेंट अवर फार्मर्स फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस वेर दे गेट द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने,
के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाम मिला है इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। हर किसी ने, यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है। इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। हम कुछ और बातों की ओर भी ध्यान दें। अब देखिए दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है न दूध बंधनों में बंधा हुआ। लेकिन मजा देखिए, दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना है, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में ज्यादातर बाजारों का सीधा संपर्क रहता है, बाजारों की दखल हट गई है, इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले सफल सब्जी खरीदने वाले उद्यमी पशुपालों की किसान क्या जमीन पर कब्जा हो जाता है, उनका पशुपालन पर पशु पर कब्जा हो जाता है? नहीं होता, दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है जी। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28% से भी ज्यादा है, यानी इतना बड़ा, हम एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं, 28% कंट्रीब्यूशन है और करीब करीब 8,00,000 करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है उसका मूल्य अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज्यादा है, हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं है। पशुपालकों को पूरी आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है, जैसा हम लोगों की स्वभाव रहा है घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी एक तनाव जरूर, चेयर यहाँ क्यों रखी, टेबल यहाँ क्यों रखा, घर में भी होता है। इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परंपराओं से हम पले बड़े हैं तो ये मैं स्वाभाविक मानता हूँ, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ा बहुत रहता ही हमारे यहाँ, क्योंकि असमंजस की स्थिति भी रहती है। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था।
और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की, योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था, वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े। और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे, वो यही कहते हैं अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारे चीज जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहां बैंक में अकाउंट में था, सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो हम कभी पीएल 480 मंगवा करके खाते थे, आज देश अपने किसान ने अपनी मिट्टी से पैदा की चीजें को खाता है। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं है, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे रामगोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, सरकार ने भी बीज खाद सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी, जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया, यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुट जाओ, बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है, और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को
हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा। और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे, हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। आदरणीय सभापति जी, डेयरी और पशुपालन हमारे कृषि क्षेत्र के साथ बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारा किसान पगभर हो। उसी प्रकार इसी काम के लिए हमने फूट एंड माउथ डिसीज के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है ताकि वो किसान को या पशुपालक जो बाय एंड लार्ज किसानी से जुड़ा हुआ रहता है उसको भी लाभ होगा। हमने फिशरीज को भी एक अलग बल दिया, अलग मिनिस्ट्री बनाई और 20,000 करोड़ रुपये मत्स्य संपदा योजना के लिए लगाया है ताकि ये पूरे क्षेत्र को एक नया बल मिले। स्वीट रिवॉल्यूशन, भारत में बहुत संभावनाएं हैं और इसलिए भारत ने किसान उसके लिए बहुत जमीन की जरूरत नहीं है, अपने ही खेत के कोने में वो कर दें तो भी साल में 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 कमा लेगा वो। और इसलिए हम स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद के लिए, हनी के लिए, उसी प्रकार से बी वैक्स, दुनिया में बी वैक्स की मांग है, भारत बी वैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है, हमने उसके लिए एक माहौल बना। और किसान के खेत में ही, छोटे किसान होगा तो एक कोने में वो एक नई कमाई कर सकता है, हमने इसको जोड़ना होगा। और मधुमक्खी पालन के लिए कोई सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपने यहाँ कर सकता है। सोलर पंप, सोलर हम कहते हैं अन्नदाता ऊर्जादाता बने, उसके खेत में ही वो अपने सोलार सिस्टम से ऊर्जा भी पैदा करे, सोलार पंप चलाए, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करे, उसके खर्च को बोझ को बंद करे। और फसल एक लेता है तो दो ले, दो लेता है तो तीन ले, क्रॉप पैटर्न में बदल करना है तो बदल कर सके, उसकी दिशा में हम जा सकते हैं। और एक बात है, भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है, आगे भी खुलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं, हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को, जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को, जो जम्मू कश्मीर में हुआ निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा आए दिन
बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन ताकत है, हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है, जाना है, परखा है, और इसलिए हमें उस जज्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं, देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं, और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी, एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत ये किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, ये 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प होने चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें यही रास्ता दिखाया था, अगर हम वहां से थोड़े हट गए हैं तो वापस उस पटरी पर आने की जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर
हमको बढ़ना ही होगा। गांव और शहर की खाई को अगर हमें पाटना है तो उसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना ही होगा। और मुझे विश्वास है कि हम उन बातों को लेकर के जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देश के सामान्य मानवी का विश्वास बढ़े। जैसे अभी प्रश्नोत्तर काल के अंदर जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी, इतने कम समय में 3 करोड़ परिवारों तक घर में पीने का पानी पहुंचाने का नल कनेक्शन देने का काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता तभी संभव जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो। हमारी सोनल बहन ने अपने भाषण में बहनों बेटियों की भागीदारी पर फोकस करने की उन्होंने विस्तार से चर्चा की। कोरोना काल में चाहे राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, सरकार ने हर तरह से एक प्रकार से हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास किया है। और उन्होंने एक शक्ति बनकर के इन चीज़ों को संभालने में मदद भी की है। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को संभाला, परिस्थितियों को संभाला है, कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार के मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम। बहनों बेटियों का हौसला, और मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका हमारी माताएं बहनें निभाएगी, मुझे पूरे विश्वास है। आज युद्ध क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। नए जो लेबर कोड बनाए हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। मुद्रा योजना से 70% जो लोन ली गई हैं वो हमारी बहनों के द्वारा ली गई हैं, यानी एक प्रकार से ये एडिशन। करीब 7 करोड़ महिलाओं की सहभागिता से 60 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आज आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं। भारत की युवा शक्ति पर हम जितना जोर लगाएंगे, हम जितने अवसर उनको देंगे, मैं समझता हूं कि वो हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनेंगे। जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर देने का प्रयास हुआ है। और मुझे खुशी है कि एक लंबा अरसे समय गया एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा में, लेकिन उसकी स्वीकृति जिस प्रकार से देश में हुई है एक नया विश्वास पैदा किया है। और मुझे विश्वास है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के लिए एक नए तरीके से पढ़ने का विचार दिखा आगमन। हमारा एमएसएमई सेक्टर, रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर एमएसएमई सेक्टर को मिल रहे हैं। और जब कोरोना काल में जो स्टिमुलस की बात हुई उसमें भी एमएसएमई पर पूरा ध्यान दिया गया, और उसी का परिणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे एमएसएमई बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग प्रारंभ से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्र लेकर के चल रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र, धीरे 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 वहाँ हमारी समस्याएं कम होती जा रही हैं, और समस्याएं कम होने के कारण सुख और शांति का अवसर पैदा होने के कारण विकास की मुख्य धारा में ये हमारे सभी साथियों को आने का अवसर मिल रहा है। अब भारत के उज्ज्वल भविष्य में ईस्टर्न इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ये मैं साफ देख रहा हूँ, और उसको हम पूरी मजबूती से काम। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था, वैसे भी बड़ी मृदुता सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है। और मैं मानता हूँ कि हम सभी जो सांसदगण हैं उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज़ है, और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूँ। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है, और स्वाभाविक भी है उनके दिल में ये होना, पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा उस दिशा में हमारा
वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे, गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा ना कर दे। आदरणीय सभापति महोदय, कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है और हर हिंदुस्तानी के बात पर गर्व है। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे हैं। तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शौर्य की सराहना की है, मैं उनका आभारी हूं। LAC पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और देश को भली भांति देख भी रहा है और गर्व भी कर रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुंजाइश ही नहीं है। और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उच्छेद देखते हैं वो कभी इस विषय में हमें सवाल ही नहीं करेंगे। उनको मालूम है हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग हैं और इसलिए हम इन विषयों में कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की उत्तम चर्चा के लिए मैं सबका धन्यवाद करते हुए आखिर में एक मंत्र का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हमारे यहां वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है, वो हम सब के लिए 130 करोड़ देशवासियों के लिए ये मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेदों का ये मंत्र कहता है, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षुः, अयुतम श्रोत्रम, अयुतो अहम, अयुतो में आत्मा, अयुतम में चक्षुः, अयुतम श्रोत्रम। यानी मैं एक नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ करोड़ों मानवों को देखता हूं, अनुभव करता हूं, इसलिए मेरी आत्मिक शक्ति करोड़ों की है, मेरे साथ करोड़ों की दृष्टि है, मेरे साथ करोड़ों की श्रवण शक्ति कर्म शक्ति भी है। आदरणीय सभापति जी, वेदों की इसी भावना से, इसी चेतना से 130 करोड़ से अधिक देशवासियों वाला भारत सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज 130 करोड़ देशवासियों के सपने आज हिंदुस्तान के सपने हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं इस देश की आकांक्षाएं हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों का भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। और इसलिए आज जब देश नीतियां बना रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो केवल तत्कालीन हानि लाभ के लिए नहीं, लेकिन एक लंबे दूरगामी और 2047 में देश जब आजादी का शतक मनाएगा तब देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों को लेकर के नींव रखी जा रही है। और मुझे विश्वास है कि इस काम को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के लिए मैं उनका आदरपूर्वक धन्यवाद करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था,
वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खींच खींच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आई शैल नाउ पुट द अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन मूव्ड टू वोट। अमेंडमेंट नंबर 11 टू 18 बाय तिरुचि शिवा, अमेंडमेंट नंबर 18 टू